देखिए इस वीडियो के अंदर अपन लोग समझते हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको एक बार रैप अप करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। सुनो, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर किसके कारण लगता है, प्रेशर लगता है फोर्स के कारण। कोई चीज़ है उसके अंदर अगर कुछ बार है और वो चीज़ कोई दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो वो डेफिनेटली उस दूसरी चीज़ पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, है ना, मतलब प्रेशर लगाएगी। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चारों ओर, चाहे ऊपर नीचे चारों ओर, हर टाइप हर तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है ऊपर, और एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी क्या होती है, गैसेस। अब ये जो गैसेस है इनका भी कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, इनका भी कुछ ना कुछ आपका मास होता है, और अगर इनका कुछ ना कुछ मास होता है तो ये भी नीचे की तरफ धरती पे एक फोर्स लगाती है, और अगर ये धरती पे फोर्स लगाती है तो इससे धरती पे एक क्या लगता है, प्रेशर लगता है। यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो गैसेज है वो जो ऊपर से प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेज है वो अर्थ के ऊपर प्रेशर जितना अप्लाई करती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका भी सेम ही फॉर्मूला होगा, रो और जी और जितनी हाइट तक गैसेज है, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि P इज इक्वल टू आपका रो जी एस, यही फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब एक चीज़ सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण बहुत सी चीज़ें हैं वो मेंटेन रहती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो हाँ, सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे अर्थ के ऊपर, हर आदमी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ उसके ऊपर कितना प्रेशर लगता है इसको उन्होंने नापा, और उन्होंने बताया कि अर्थ पे जितनी भी बॉडी है उस पे जो आपका प्रेशर लगता है वो लगता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये इतना प्रेशर है, ये अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगता है। और एक चीज़ सुनो, ये जो इतना नंबर है इसको जनरली हम बोलते हैं 1 ATM, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ है उसके ऊपर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 1 ATM, ठीक है। और 1 ATM का मीन होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल या 1.013 × 10⁵ N/m². तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो प्रेशर को नापने की बहुत सी यूनिट्स होती है, प्रेशर को नापने की काफ़ी यूनिट्स होती है। एक यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरी आपकी यूनिट होती है प्रेशर को नापने की, अगर मैं बोलूँ तो पास्कल, एक आपकी प्रेशर को नापने की यूनिट होती है, नेक्स्ट अगर बात करें तो बार, एक आपकी प्रेशर को नापने की यूनिट होती है टोर, एक आपको प्रेशर की नापने की यूनिट होती है MMOHG, ठीक है। ये MMOHG देखो कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ। एक डिवाइस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइस होते हैं उनके नाम होते हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर। ये दो ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिनकी वजह से हम लोग एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको नाप सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। और कम ज़्यादा, अभी देखो आप ये बोलो कि अभी तो आपने बोला था कि अर्थ के ऊपर जितने भी बॉडी है उस पर प्रेशर लगता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, और अभी आप बोलोगे कि सर आप ही बोल रहे हो, आप भी मतलब बोल रहे हो कि जो आपका प्रेशर है वो आपका होता है मतलब बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि मैं आपको इसको अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, सुनिए। देखो होता क्या है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर कहीं पे गर्मी पड़ती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सुनो, जैसे अगर जून जुलाई की बात करें तो जून जुलाई में होता क्या है, जो सी होते हैं आपके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सॉरी
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अरे इसको दोबारा देखते हैं पूरे को, रुको एक बार। आप सुनो अच्छे से, देखो मैंने आपको ये बताया कि प्रेशर को नापने की बहुत सारी यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टोर, एमएम ऑफ एसजी। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एमएम ऑफ एसजी क्या होता है, ठीक है, और तो चलो ठीक है यूनिट्स होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एटमोसफेयर का प्रेशर है वो एक तो आप बैरोमीटर से नाप सकते हो और एक आप मैनोमीटर से नाप सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको बोला कि उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो बैरोमीटर और मैनोमीटर है उनमें बार बार प्रेशर चेंज होता रहता है। लेकिन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में यह भी बोला था कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, 1.0135 × 10⁵ पास्कल। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, और अभी आप ही बोल रहे हो कि अर्थ का प्रेशर है वो बार बार क्या करता है, चेंज करता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब इसको समझना है, आराम से समझना। मान लो ये आपका अर्थ है, इसके ऊपर यहां पर डेजर्ट है, यहां पे है डेजर्ट और यहां पे आपका सी है, ठीक है, ये है सी। अब सुनो अगर मैं बात करूं गर्मियों में जून टू जुलाई के अराउंड कुछ मौसम की, तो होगा क्या, जो आपका डेजर्ट है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जब डेजर्ट के अंदर गर्मी पड़ेगी तो आपको एक चीज ध्यान है कि जो आपका आपकी रेत होती है, जो आपकी सोइल होती है, वो बहुत ज्यादा जल्दी तो गर्म होती है और बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यानी जैसे ही गर्मी पड़ेगी सुबह सूरज उगेगा 10-11 बजे जो सैंड है वो काफ़ी गर्म हो जाएगी, और एक मतलब दोपहर के 1-1.5 बजे ये टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी आपकी मिट्टी। अब जब मिट्टी गर्म होगी तो यहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, और आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जो गर्म एयर है हॉट एयर है वो गोज अप, वो ऊपर जाती है, तो यहाँ की हवा है वो क्या चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। अब सीधी सी बात है अगर यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ एक यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ हवा की कमी हो गई। अगर यहाँ हवा की कमी हो गई तो यहाँ मतलब कोई ढंग से प्रेशर लगाने वाला है नहीं, अगर यहाँ पे कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं है तो यहाँ का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ तो सी है, यहाँ की बात अलग है, पानी है वो बहुत ही लेट गर्म होता है, बहुत ही लेट ठंडा होता है, तो यहाँ का प्रेशर इसकी बजाय थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना, हवा का ये नेचर होता है जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से लेके कम प्रेशर की ओर जाना। दुनिया का कोई भी मटेरियल है उसके उसकी एक नेचर होती है कि वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करता है, ठीक है, चाहे वो कोई मटेरियल हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोलगेट है, उसके अंदर से अगर आपको ट्यूब बाहर निकालना है तो आप कोलगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उससे जो ट्यूब है वो उससे जो पेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो देखो जो सिलेंडर वगैरह होते हैं आपके, उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही उनके जैसे ही सिलेंडर है उसको थोड़ा सा भी कहीं पे जगह मिलती है तो वहाँ से गैस है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर उतना नहीं है, बाहर का प्रेशर थोड़ा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ को धक्का दोगे तो आप तो उसको प्रेशर लगा ही रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं आएगी, वो आपसे दूर जाएगी जिधर उस पर प्रेशर नहीं लग रहा, यानी उस पर प्रेशर कम है। तो ध्यान रखना जो आपकी हवा है वो भी क्या रूल फॉलो करती है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाना। तो इसका मतलब हवा है वो सी से किधर चलेगी, इधर चलेगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक टाइम के लिए यहाँ की हवा खाली हो जाएगी तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर यहाँ कम हो गया, इस कम प्रेशर को नापने के लिए क्या बनाते हैं हम, मैनोमीटर और बैरोमीटर। इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कहीं का प्रेशर कम हुआ है पहले के बजाय या ज़्यादा हुआ है। अब एक चीज़ और सुनो, इस प्रेशर को भरपाई करने के लिए ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर क्या आएगी, हवा आएगी, एयर आएगी। अब ये एयर सी के पास से आ रही है तो ये अपने साथ किसको लेके आएगी, वाटर को लेके आएगी। ये वाटर यहाँ पे आएगा और यहाँ की कोई हिल वगैरह है उससे टकरा के यहाँ पे बारिश करवा देगा। तो इसीलिए डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं उनके अंदर अगर गर्मी पड़ती है तो
तो अच्छा होता है एक टाइप से। राजस्थान के अंदर भी गर्मी पड़ना एक अच्छी बात है अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो यहाँ की हवा ऊपर ही नहीं जाएगी, तो यहाँ से हवा आएगी नहीं, ठीक है। तो ये जनरली होता है। देखो वैसे तो ये काफ़ी ज्योग्राफी का मैटर है, हमें इसको डिस्कस नहीं करना। यहाँ पे मान लो सी वगैरह होते हैं, तो राजस्थान के अंदर जब गर्मी पड़ती है तो हवाएँ वो ऐसी जाती है, तो फिर वो हवा इधर जाने की बजाय यहाँ पे जो आपका केरला का कोस्ट है मालाबार वगैरह उस पर, और इसके अलावा यहाँ जो आपके वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट या इसके बाद यहाँ जनता एलोरा मतलब विंध्या सतपुड़ा या फिर अराकान माउंटेन्स या फिर हिमालयाज माउंटेन्स, ये सारी हवाएं ये इस हिसाब से टकरा टकरा के पूरे इंडिया के अंदर बारिश करवाती है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है हवा के इधर उधर जाने के कारण। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नापते हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर से, ठीक है। अब देखो अगर किसी जगह का प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसका मीन क्या है कि वहाँ की हवा कम हो गई तो दूसरी जगह की कोई हवा वहाँ पर तेज़ी से आती होगी, इसका मतलब जल्दी वहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बैरोमीटर के अंदर जो पारा है, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है उसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है बैरोमीटर ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होता है आपका बैरोमीटर, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है HG, ठीक है, मरकरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मरकरी है ये नीचे गिर जाता है जब जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, ठीक है। और कितना नीचे गिरा है ये हम इसकी हाइट में नापते हैं MM में, ठीक है। तो ये MM है, ये यहाँ से आया है प्रेशर MM ऑफ HG। ये बैरोमीटर और मैनोमीटर में यूज़ में आता है ज़्यादातर कि कितने MM ऑफ HG का लॉस हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो इसका मतलब बारिश आने वाली है, अगर लॉस होने की बजाय इंक्रीमेंट हुआ है तो मतलब वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो इससे हम लोग ये एजम्पशन लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी जगह का प्रेशर है वो कम ज़्यादा होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो बस मैं आपको यही बता रहा था कि प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टोर, MMOHG और सेंटीमीटर ऑफ HG एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, आप सारी यूनिट को देखो एग्ज़ाम के अंदर यही चलता है ज़्यादातर, इसको इसमें कन्वर्ट करो, कल को तुम्हारे अगर न्यूमेरिकल भी आएंगे तो उसमें वो डेटा बार में दे देगा और आंसर आपको पास्कल में पूछ लेगा, मतलब कुछ ना कुछ अगर ऐसा करेगा। तो एक रूल ध्यान में रखना, देखो 1 ATM जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1.0135 × 10⁵ पास्कल, और ये पूरा डेटा इक्वल होता है 10⁵ bar के, ये पूरा डेटा इक्वल होता है 760 torr के, ये पूरा डेटा इक्वल होता है 76 cm ऑफ HG के, ये पूरा डेटा इक्वल होता है 760 mm ऑफ HG के, और ये पूरा डेटा इक्वल होता है किसके, 1.0135 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये इतने डेटा आपस में इक्वल होते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई काम पड़े तो आप देख लेना किसको किस में चेंज करना है, कर लोगे। जैसे आपको कोई बोल दे कि 2 bar है उसको पास्कल में चेंज करो, तो आपको पता है 1 bar है, हाँ सॉरी, हाँ 2 bar को पास्कल में चेंज करो, तो देखो यहाँ से 10⁵ से 10⁵ कट गया, यानी 1 bar का मीन होता है 1.0135, तो 2 bar का मीन कितना हो जाएगा 2.0270। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। खैर ये मैं बाद में करवाऊँगा तुम लोगों को न्यूमेरिकल, तो ये और डिटेल में बता दूँगा, एक बार जो जितना करवा रहा हूँ उतने पे ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, ठीक है भाई, देखते हैं एक बार, ठीक है, ये इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का।